घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। सब जगह चुनाव प्रचार जोरों पर है। रविवार 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ के संयुक्त मोर्चा की बड़ी रैली हुई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में रैलियां की। इसके अलावा एमपी के सीएम और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल में रैली की। अधीर रंजन बोले, चुनाव में 2 नहीं 3 कोण। बात सबसे पहले पश्चिम बंगाल में हुई लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ की रैली की। इस रैली में भारी भीड़ उमड़ी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, छत्तीसगढ़ के सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता इस रैली में शामिल हुए। लेफ्ट की ओर से सीताराम येचुरी व अन्य नेता यहां पहुंचे थे। आईएसएफ नेता अब्बास सिद्दीकी ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। सभी नेताओं ने एक सुर से टीएमसी और बीजेपी पर निशाना साधा। अधीर रंजन चौधरी ने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में केवल 2 कोण नहीं है, तीसरा कोण भी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल डीएनए एक जैसा है और दोनों के बीच फर्क करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में केवल टीएमसी और बीजेपी में लड़ाई है, तो वो इस रैली को देख लें। बंगाल में लोकतांत्रिक और सेकुलर सरकार बनाने के लिए हमें साथ में लड़ने की जरूरत है। हमारा लक्ष्य ममता बनर्जी के कुशासन को हटाना है, साथ ही बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे को भी रोकना है। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने भी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और मोदी जी ने अपने नाम से गुजरात में एक क्रिकेट स्टेडियम बना लिया है। वो वंशवाद के खिलाफ बोलते हैं और अमित शाह जी के बेटे जय शाह क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे कानून लाई है जिनके जरिए वो चुनावी चंदा ले सकती है, लेकिन ये पैसा कौन दे रहा है जानना संभव है। उन्होंने कोरोना के नाम पर भी एक फंड खोल लिया है, वहां भी पैसे जमा किए जा रहे हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में अमित शाह की रैली। जहां पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता बीजेपी पर बरस रहे थे, वहीं अमित शाह ने भी पुडुचेरी और तमिलनाडु में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पुडुचेरी में राहुल गांधी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने मत्स्य मंत्रालय की बात कही थी, जिस पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी उस वक्त छुट्टी पर थे जब साल 2019 में केंद्र सरकार ने इस मंत्रालय का गठन कर दिया था। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के नेता को ये नहीं मालूम कि देश में मत्स्य मंत्रालय शुरू हो चुका है, क्या वो पार्टी प्रदेश का हित कर सकती है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने उनकी सरकार को गिराया, लेकिन उन्होंने ऐसा सीएम बनाया था जो अपने सर्वोच्च नेता के सामने भी झूठ बोलता था। पुडुचेरी के सीएम रहे नारायण सामी को झूठ बोलने का पुरस्कार मिलना चाहिए। सरकार ने विकास कामों के लिए 15,000 करोड़ भेजे थे, लेकिन विकास नहीं हुआ। वहीं उन्होंने तमिलनाडु में बोलते हुए लोगों से कहा कि उन्हें इस बात का खेद है कि वे दुनिया की सबसे अच्छी भाषाओं में से एक तमिल में नहीं बोल पा रहे हैं। मैं तमिल भाषा में बोल पाता तो बहुत अच्छा लगता। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भी तमिल सीखना चाहते हैं और तमिल बोलना चाहते हैं। राहुल गांधी की तमिलनाडु में जनसभा। राहुल गांधी ने भी 27 फरवरी को तमिलनाडु में रैली की। राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु के सीएम ने पीएम मोदी की सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो तमिलनाडु के लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। राहुल ने कहा कि मैं रात को 30 सेकंड में सो जाता हूं, लेकिन तमिलनाडु के सीएम को सोने में कितना वक्त लगता है वो सो नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ईमानदार नहीं है और इसीलिए वो पीएम मोदी के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए डी लल्लन टॉप। शुक्रिया।